कर रहा है सेकंड ईयर का, और चैप्टर क्या है, टाइम एंड टेंस। हेडिंग दीजिए यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम एंड टेंस क्या है, समझ लीजिए उसके बाद देखिए। हेलो समझ लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आया हुआ है टाइम, और यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है टेंस, है ना जी। टाइम का अर्थ क्या होता है, उस समय, और टेंस का अर्थ क्या होता है भैया, काल, और ये काल के अंतर्गत होता क्या है, काल के अंतर्गत क्या होता है भाई, काम, इसके अंतर्गत क्या होता है, काम बोल सकते हैं, कार्य बोल सकते हैं, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, एक्शन बोल सकते हैं या वर्क बोल सकते हैं, क्या होता है, वर्क। लेकिन ये जो भी मेरा काम होता है वह काम किस तरह से होता है, V1, V2, V3, V4 और V5, ये टोटल मेरा क्या है, कौन सा काम लगेगा, कौन सा काम का हम प्रयोग करेंगे, तब कौन सा काम करेंगे, इसका डिसाइड कौन करेगा, कौन करेगा भैया, टाइम करेगा, जैसा मेरा समय होगा उसके अनुसार मेरा क्या लगेगा, लगेगा। लेकिन जब आपका टाइम नहीं होता है, जब आपका समय नहीं होता है, तो उसमें काम करने की कोई निश्चितता नहीं होती। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई लड़का विद्यालय है, कब खाना है, कब सोना है, कब जगना है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन वो घर पे चला जाता है, घर पे तो जैसे ही शाम को 6 बजा तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता पूछना शुरू कर देते, बुआ कहाँ है, बैठ क्यों नहीं पढ़ रहा, होता है ना ऐसा, और नहीं मिला तो लाठी पटा भी मिलता है, पचू गाले भी मिलता है कि नहीं। तो वहां पर होता है क्या, आपके पेरेंट्स क्या हो गए, और आप क्या हो गए, जैसे पेरेंट्स के अनुसार काम करना, जैसे मॉर्निंग हुआ 6 बजे नहीं जगे तो भी बात सुनो, है कि नहीं। यहाँ पे जगे ना जगे कोई लिमिटेशन नहीं है, 6 बजे के शाम में आपके फ्रेंड बोला चलो फिल्म देखने, हाँ चलो भाई फिल्म देखने, चलो घूमे, चलो घूमते चलो, कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं, कहाँ पे, सिर्फ टेंस। अगर जब आपका टाइम एंड टेंस आ जाएगा तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो कार्य होगा वो किसके अनुसार होगा, टाइम के अनुसार होगा, बिना समय के अनुसार कोई भी आपका एक्शन, कोई भी कार्य नहीं होगा। कहाँ पर, जैसे क्वेश्चन लेके चलते एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बोला गया क्या, ही डैश डैश to escort Delhi. विदिकर, he escorted dash to Delhi. अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन लेकर चलते हैं, go, ऑप्शन goes, ऑप्शन went, ऑप्शन has gone. ये टोटल मेरा क्या है, काम। अब इस काम में से कौन सा काम यहाँ पे हम पुट करेंगे, अब यहाँ पे कौन सा काम लगेगा, जो काम लगेगा उस काम का डिसाइड कौन करेगा, डेली, इस वाक्य में डेली मेरा समय, और डेली के अनुसार ही यहाँ पे क्या पुट करेंगे, समय को पुट करेंगे, सॉरी कार्य को पुट करेंगे। अगर यहाँ पे डेली नहीं रहता, समय नहीं रहता, तो इसमें से आप चाहे जो कुछ भी यूज करें आप कर सकते थे, जो चाहे सो यूज कर सकते थे, बोल भी सकते रहे, ही इज गोइंग टू स्कूल तो भी सही है, ही गोज टू स्कूल तो भी सही है, ही वेंट टू स्कूल तो भी सही है, ही हैज गॉन टू स्कूल तो भी सही है, क्यों, क्या रीजन है, रीजन यह है भैया कि इसमें समय इसमें टाइम नहीं है, जब टाइम नहीं है तो काम जो चाहे सो हो सकता है, लेकिन जब समय आ गया तो जैसे मर्जी वैसे काम नहीं करना है ना। तो इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, शादी के बाद देखते हैं, शादी के बाद आ गई पत्नी, सारा टाइमिंग क्लियर हो जाता है,
है ना, पाबंदी होता है, तो पत्नी क्या भाई टाइम ना, टाइम जहाँ 6 बजे 7 बजे कहाँ है जी, क्यों नहीं पहुंच रहे, शुरू हो जाता है। तो ये बात है भैया, यहाँ पे आपका डेली लग जा तो इसके अनुसार क्या डेली बोलेगा, क्योंकि क्या चाहिए भीवन भी फैक्ट चाहिए, और भीवन भी फैक्ट को पुकारेगा कौन, डेली डेली टाइम है ना, इसके अलावा इसको कुछ नहीं चाहिए, तो जो चाहे सो काम कर सकते हैं क्या, नहीं। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि टाइम एंड टेंस क्या है, टाइम एंड टेंस का परिभाषा यहाँ पे क्या हो चुका है, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस क्या है, वी चूज टेंस, वी चूज एक्शन, वी चूज वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम, इट्स कॉल्ड टाइम एंड टेंस, है ना। हम किसी भी कार्य को अगर समय के अनुसार व्यक्त करते हैं, समय के अनुसार लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसका भी लिखना सही है। We choose tense V1 ध्यान देंगे यहां पे, हेलो, वी चूज टेंस, हम लोग टेंस को क्या करते हैं, चूज करते हैं, हम लोग कार्य को क्या करते हैं, चुनते हैं। जैसे आपका कार्य क्या क्या हो सकता है, V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, V4 हो सकता है, V5 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस कहलाता है या कहा जाता है, नोट कर लो। जिनको हिंदी में डिफरेंस लिखना हो लिख सकते हैं, वैसा कार्य जो समय के अनुसार वैसा कार्य जो समय के अनुसार लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं भैया, टाइम एंड टेंस, उसे टाइम एंड टेंस कहते हैं। वैसा कार्य जो समय के अनुसार व्यक्त होते हैं, चलेंगे भैया, चलते हैं यहां से। अब यहां से सबसे पहले हमको होता है क्या, कार्य को पहचान कर, जब तक हम काम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम कार्य को पहचानेंगे नहीं, तो फिर कैसे हम व्यक्त करेंगे उसको, फिर कैसे रखेंगे, काम का पता ही नहीं है तो, है कि नहीं। तो भैया सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, मेरा कार्य किस तरह से होता है, मेरा कार्य जो होता है, मेरा क्रिया जो है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे नोट पर सबसे पहले देखना है, नोट में क्या देखना है, सबसे पहले कि आप भीवन को कैसे पहचानेंगे, मैंने बार बताया था 5 तरह का चलेंगे, इसमें क्या होता है V2, इसमें क्या होता है V3, इसमें क्या होता है बाबू V4, इसमें क्या होता V5. है V5.
अगर आपको चार ऑप्शन पांच ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको पहचान करना है कि कौन है वी वन, कौन है वी टू, कौन है वी थ्री, कौन है वी फोर, कौन है वी फाइव, तो कैसे हम पहचान करेंगे? चलेंगे भैया वी वन को हम कैसे पहचान करेंगे ये देखना है ना भैया। तो वी वन जो भी होता है इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम बचपन से जानते हैं। बचपन से क्या करते हैं वो जिस भर्ब को अगर हम बचपन से जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भी वन। जैसे एग्जांपल के रूप में बोलते हैं जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है, जाना काम हो रहा है, गो है ना भैया, गो है। तो जब गो है तो इसको हम पहले से जानते हैं कि नहीं, बचपन से जानते हैं कि नहीं, तो आप बताइए गो क्या होगा, भी वन होगा। सोना स्लीप, स्लीप बचपन से जानते हैं भैया, तो क्या हो गया स्लीप, भी वन हो गया। तो V1 को कब पता चलेगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलते अगले टर्म में हम कि V5 को कैसे पहचान करेंगे, है कि नहीं। तो आपको V5 बोला क्या होता है कि V1 कौन भैया, V1 प्लस S या ES। जब हम V1 में S या ES को ऐड कर देते हैं तो मेरा मिल जाता है क्या, क्या मिल जाता है, V5 मिल जाता है। चलेंगे जैसे आप मान लेते हैं गो जानते हैं है ना, और आपको जिससे यहां पे आ गया क्या गोज, स्लिप है भैया क्या हो गया स्लिप्स, कोई दिक्कत। तो यहां पे भी भाई भी जान गया। अगर भाव फॉर्म आपके सामने रखा है किसी भी भर्ब के लास्ट में एस या एस लगा हुआ है तो भाव क्या है, कोई दिक्कत है। चलेंगे भैया वी फोर की तरफ, वी फोर को हम कैसे पहचान करेंगे, तो वी फोर का पहचान क्या होता है, भी वन में क्या लगाते हैं आई, ये तो जनरली सबको ही जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में लेकर चलते हैं, जैसे मान लिया जाए जैसे यहाँ पे गो है स्लीप है इसी को लेकर चलते हैं, तो गो का क्या हो गया वही, स्लीप का क्या हो गया स्लीपिंग। सबसे बड़ा फंडा कहा है वी टू और लड़का यही फंस जाता है, वी टू और वी थ्री का पहचान नहीं कर पाता, लेकिन आज से कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वी थ्री को कैसे हम पहचान करेंगे है कि नहीं, अगर जो कोई भी भार, जो कोई भी मेन भार अगर वो आता है किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, विल हैव के साथ, किसके साथ, सेल हैव के साथ, तो वह समझ लीजिए कि आइटम नंबर क्या है, कोई दिक्कत। तो टाइम एंड टेंस में जहां कहीं भी वी थ्री प्रयुक्त होगा, जहां कहीं भी लिखा जाएगा, तो इसके बिना नहीं लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। अब बच गया भैया वी टू, वी टू को कैसे पहचान करेंगे भाई, तो भैया इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे कि नहीं जानते, क्या करते हैं नहीं जानते, किसको अगर जिस वर्ब को आप बचपन से जानते हैं क्या है, अगर उसमें एस एस लगा है, आई एन जी लगा है, हैव हैज हैड विल हैव के साथ है, साथ नहीं जानते हैं, क्लियर हो चुका। एक एग्जांपल लेकर चलेंगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा है कि, चलते हैं जैसे एग्जांपल देखिएगा, राधा डैश डैश A song every day. Option sings. Age singing. Option sang. Option D has. चलेंगे राधा डैश ए सॉन्ग एवरीडे, मेरा समय मिल चुका है यहाँ पे है ना, क्या समय भाई प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के अनुसार ही क्या लगेगा, क्या काम लगेगा इसी के अनुसार काम लगेगा। तो जहां भी एवरीडे आता है ये पुकारता है भी वन और किसको, भी भाई को, तो भी वन भी भाई मेरा ऑप्शन होगा यहाँ पे है कि नहीं। बाकी तो चलते पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें कैसे हम पहचान करेंगे,
आप बताइए बाबू SAES के साथ आया है तो आइटम नंबर कितना है? five. ये आईएनजी के साथ आया है कितना नंबर है? four. हेलो भैया, और यहाँ पे हैज के साथ आया है तो क्या है? three. अब ये क्या है? आप चलते भैया, अब यहाँ पे गाने का बात कर रहा, तो गाने को जब इंग्लिश होता है हम बचपन से क्या जानते हैं? सिंग जानते हैं भाई, तो सिंग लिखा है क्या इसको? नहीं, हमको पता ही नहीं है क्या है, क्या है ये नहीं जानते हैं, क्या हो गया, कोई दिक्कत? चला जाए यार, अब तो पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं है, लड़का टाइम इंडेक्स का प्रॉब्लम आने जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि कौन फॉर्म चल रहा है, क्या लिखा हुआ है, तो कैसे चूज करेगा, समय तो पता है उसको लेकिन काम में पता नहीं है, है कि? तो चला जाए, समझना चुका होगा आप लोग को, आ गया ना, तो पहले आप इसको अपलोड कर लें, यहाँ से नेक्स्ट देखते हम लोग। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है सिंगुलर क्रिया और प्लुरल क्रिया, है कि? तो हम चलते भैया इसको भी देख लेते हैं कि सिंगुलर भर्व क्या है। सिंगुलर है ना जी, तो सिंगुलर भर्व का पहचान क्या होगा, इसको हम कैसे पहचान करेंगे, सटीक आंसर चिटके जा रहे हैं। अगर जिस क्रिया के लास्ट में एस या ई एस लगा, यानी जिस पे एस या ई एस का मोहर लगा होगा, वो क्रिया आपका क्या होगा? जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लेके चलते हैं, जैसे देखा जाए एज एस लगा है कि नहीं लगा, वाज हैज लगा है ना, वी फाइव, कोई भी भाई पैसा पैदा ही नहीं हुआ जो बिना एस और एस का आ जाए, आएगा का नहीं ना, नहीं। तो फिर भी भाई भी मैंने क्या हो सिंगल हो सिंगल, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं हम थोड़ा देख लेते हैं प्लुरल वर्ब की तरफ, जैसे देखा जाए भैया आर वेयर हैव और आइटम नंबर इसको हम कब से जानते हैं? बचपन से जानते हैं। ये टोटल मेरा क्या है? पुलर नॉर्मल। इसको भी अपने नोटबुक में क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। अब जो हो गया जी। अब यहाँ समझान गए, टेंस को जान गए, कार्स को जान गए, सिंगुलर क्रिया को भी जान गए और प्लुरल क्रिया को भी जान गए। अब यहाँ से हम देखेंगे इसका यूजेस। यूजेस ही क्या है? टाइम एंड टेंस है कि? तो गिव हियर हेडिंग यूजेस ऑफ किसका? यानी वी वन का यूज, वी टू, वी थ्री, वी फोर और यूज दे दे। अब यहां से मेरा पहला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन टेंस का होगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का जो पहला सूत्र है इसका परिभाषा हम टेंस में पढ़ा होंगे, टोटल टेंस का परिभाषा बताया गया। इसका पहला सूत्र है, जिस सूत्र का नाम क्या है? इंडेफिनिट। क्या नाम है? इंडेफिनिट नाम है। प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रयोग करते हैं किसका? गिवन और टाइप का। इसका एक और नाम है क्या जी? सिंपल प्रेजेंट। है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग फर्स्ट रूल पढ़ेंगे आज से कि वी वन और वी फाइव का प्रयोग हम कहां करेंगे, है कि? कोई दिक्कत? चलो जाके चलो ध्यान देंगे सबको। जब वाक्य में
डेली। डेली का मतलब क्या होता है? रोज। एवरी। हम लोग प्रेजेंट का पहला सेक्टर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके अंतर्गत हम लोग विभाग को पढ़ते हैं। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, है ये। अब यहां से हम V1 V5 का यूज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि V1 और V5 का प्रयोग हम कहां करेंगे। तो जब वाक्य में डेली एवरी, अब यहां पे डैश डैश, तो यहां पे आप लोगों का दूसरी एवरी डे भी हो सकता है, एवरी ईयर भी हो सकता है, एवरी मंथ भी हो सकता है, एवरी वीक भी हो सकता है। जैसे बोला कि एवरी डे तो प्रत्येक दिन, एवरी मंथ प्रत्येक महीना, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह, दिक्कत नहीं। ऑफन का अर्थ हो जाता अक्सर, सैलम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, जनरली आमतौर पर, स्वली आमतौर पर, अगर लगा हो तो V1 V5 का प्रयोग होगा। क्वेश्चन उठता है कि सर क्यों V1 V5 का प्रयोग हो, है कि? तो भैया ये जितने भी टाइम है ये वर्तमान आदत को बताता है। किसको बताता है? वर्तमान आदत। जब भी वर्तमान आदत को बताया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं भैया यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सबको ध्यान देंगे। जैसे बोला गया राधा डैश डैश आ लेटर एवरी डे। यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है राइट, ऑप्शन दिया हुआ है रोट, ऑप्शन दिया हुआ है राइट्स, ऑप्शन दिया हुआ है इज राइट। अब यहां पे चार ऑप्शन दिया है मेरा, और चार ऑप्शन में मेरा कौन सा आंसर होगा, क्या होगा? अब चलेंगे भैया, मेरा टाइम क्या है? एवरीडे। एवरीडे किसको पुकारेगा? V1 और V5 को पुकारेगा। यहाँ पे की तो लगेगा V1, नहीं तो लगेगा V5। बाकी सारे ऑप्शन गलत, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे नहीं होंगे, है ना भैया? आप सबको पता है V1 और V5 कौन होता है? V1 कौन होता है? तो मानते भैया ये देखा जाए तो यहाँ पे राइट्स तो लिखा है एक किसको बचपन से जानते हैं, इसको जानते हैं भाई हम, राइट को जानते हैं। तो ये V1 और V5 ये होगा नहीं, ये भी मेरा आंसर होगा नहीं। जो भी आंसर होगा वो कितना होगा? ए नहीं तो सी। अब ए लगेगा कि सी लगेगा, डिसाइड कौन करेगी? सब्जेक्ट राधा। आप बताइए राधा एक है कि पांच है? एक है। राधा एक बच्चन में है कि बहु बच्चन में है? तो राधा का भी आप एक सिलेंडर के लेकर सकरा या 10 सिलेंडर एक सिलेंडर के, तो का है कि राधा एक बच्चन, तो एक बच्चन के भी है कि नहीं? अगर एक से अधिक बहुवचन में रहता तो बहुवचन में ब्याह कराते, है कि नहीं? क्योंकि जब भी तुलना होती है तो बराबर, और नहीं तो लड़का है कितना, मान लीजिए कि 100 केजी का है और लड़की खोज दीजिए 20 केजी का, तो फिर मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि जब लड़का एक सिलेंडर तो लड़की भी चाहिए एक सिलेंडर, लड़की एक सिलेंडर तो लड़का भी चाहिए एक सिलेंडर। तो भैया ये दोनों ऑप्शन में से मेरा ऑप्शन कौन होगा? V1 की V5 क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है,
यहाँ पे राधा भी मेरा क्या है सिंगल है, तो राधा राइट से ब्याह करना चाहेगी कि राइट से ब्याह करना राइट से, राइट से। so, इसलिए मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा राइट। आशा करते समझ में आया होगा, वीडियो को पोस्ट करें और लिखें।